सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के हॉर्न बिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसकी एक ब्रीफ समरी पढ़ेंगे और उससे पहले कि इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेती है। तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने जॉइंट फैमिली एक दिखाई है और उसमें बताया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे है, उसकी एक हमें पिक्चर शो करी है। दिस इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट। ये खुशवंत सिंह की अपनी स्टोरी है, उनकी अपनी लाइफ की स्टोरी है और इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो अपना सारा टाइम अपने बच्चों को देते हैं, अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा लव अपने बच्चों को देते हैं। उनका लाइफ का बस एक ही मोटिव रह जाता है, अपने बच्चों की केयर करना। तो इसी तरीके से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करा है, किस तरीके का उनका रिलेशनशिप था अपने ग्रैंड मदर के साथ और क्या क्या चेंजेस आए उनके रिलेशनशिप में जैसे जैसे नरेटर की लाइफ चेंज होती रही। तो जो जिस तरीके से ऑथर ने डिस्क्राइब करा है अपने ग्रैंड मदर को, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। सो द राइटर से जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी, वो एक ओल्ड वुमन थी। हर फेस वॉज फिल्ड विद रिंकल्स, उनके फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स थे, बहुत ज्यादा झुरियां पड़ चुकी थी ड्यू टू ओल्ड एज। तो वो देखने में कैसी थी? शी लुक फैट, शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंड। वो थोड़ी सी मोटी लगती थी, उनकी हाइट कम थी और वो झुक कर चलती थी। नेक्स्ट द राइटर सेज हर सिल्वरी वाइट हेयर, जो उनके वाइट बाल थे ड्यू टू ओल्ड एज, वो हमेशा उनके फेस पर फैले रहते थे, उनके रिंकल्ड फेस पर, उनके झुरियों वाले फेस पर उनके वाइट बाल हमेशा आते रहते थे। शी मूव इन द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ। तो वो घर में वाइट क्लोथ्स पहनकर रखती थी, ज्यादातर वो फीके कलर्स पहनती थी, ज्यादा कलर्ड एंड ब्राइट कलर्ड के क्लोथ्स वो नहीं पहनती थी, तो वो बहुत सोबर कलर्स पहनती थी। और उनका एक हाथ होता था उनकी वेस्ट पर ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सकें, अपने स्टूप को, स्टूप होता है आगे की तरफ को झुकना, तो वो एक हाथ अपने कमर पे रखती थी ताकि वो अपने आप को बैलेंस करके चल सके और दूसरे हाथ से वो रोजरी के बीड्स पढ़ती थी। रोजरी क्या होती है? जो माला होती है जिसपे हम नाम जपते हैं उसे रोजरी बोला जाता है, तो वो उसके बीड्स को टर्न करती रहती थी, वो पूरा टाइम प्रेयर करती रहती। नेक्स्ट ही सेज हर लिप कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर। तो जब भी राइटर देखता था अपने ग्रैंड मदर को, तो उसके ग्रैंड मदर हर वक्त रोजरी पढ़ रही होती थी और उनके लिप्स हर वक्त एक प्रेयर कर रहे होते थे, वो साइलेंट प्रेयर होती थी, वो अपने मन में ही एक प्रेयर करती थी जो कि सुनाई नहीं देती थी, तो वो अपने मन में प्रेयर करती थी। फॉर 20 years द ऑथर हैड सीन नो चेंज इन हर लुक। तो अब 20 सालों से ऑथर ने अपने ग्रैंड मदर की लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखे हैं, जैसे कि वो 20 साल पहले दिखती थी ओल्ड, अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं, जरा सा भी चेंज नहीं आया उनकी लुक्स में एंड बिहेवियर। और जो ग्रैंड मदर का बिहेवियर था उसमें भी बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। शी वॉज एन एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन। तो वो भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी और बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी। द ऑथर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट वंस शी वॉज टू यंग एंड प्रिटी लाइक अदर वुमेन। तो क्योंकि ऑथर ने हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड देखा है, हमेशा इसी तरीके से देखा है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इस चीज को मान नहीं पाता कि कभी उसकी भी ग्रैंड मदर यंग थी, जवान थी और वो सुंदर दिखती थी जिस तरीके से और महिलाएं दिखती हैं, जिस तरीके से और विमेन दिखती हैं। उसे लगता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ऐसी ही दिखती हैं। तो जब भी ग्रैंड मदर अपने बचपन की स्टोरी सुनाती थी ऑथर को, अपनी चाइल्डहुड गेम्स बताती थी कि हम बचपन में ऐसी गेम्स खेला करते थे, तो वो ऑथर को फेरी टेल्स लगती थी। उसे लगता था कि ये जैसे कोई इमेजिनरी बात है, ये एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑथर की एज उस वक्त कम थी,
तो इसलिए उसे लगता था कि ग्रैंडमदर हमेशा से ऐसी ही हैं और उनमें कभी कोई चेंज नहीं आया। नरेटर और उसके ग्रैंडमदर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स, वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो जो नरेटर के पेरेंट्स थे, जो उनके मदर फादर थे, वो सिटी में रहते थे और नरेटर विलेज में रहता था अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो नरेटर के पेरेंट्स ने भी उसे वहीं छोड़ दिया था विलेज में, ताकि उसके ग्रैंड मदर उसकी केयर कर पाए और वो अपनी स्कूलिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ले जब तक कि उसके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल नहीं हो जाते। तो नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर हमेशा साथ ही में रहते थे विलेज में। और आगे नरेटर ने अपनी रूटीन बताई है, रोज की क्या रूटीन हुआ करती थी। हर रोज सुबह नरेटर को उसकी ग्रैंड मदर उठाती थी स्कूल के लिए, उसको रेडी करती थी। उसकी जो वुडन स्लेट होती थी, उस टाइम पे स्कूल के बच्चों के पास पेन पेपर नहीं होता था, वो स्लेट पर ही काम करते थे, जो कि लक्कड़ की स्लेट होती थी। तो उस लक्कड़ की स्लेट पर पहले प्लास्टर करना पड़ता था येलो चौक से, तो वो काम भी ऑथर की ग्रैंड मदर ही उसके लिए किया करती थी। फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती थी और उसको स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी। तो ये सब काम ग्रैंड मदर ही करा करती थी नरेटर के लिए। फिर रास्ते में जब वो स्कूल जाते थे, रास्ते में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते थे उनको स्टेल चपाती फीड करते थे। स्टेल मतलब पुरानी, जो रात की बची कुछ रोटी होती थी वो उन्हें फीड कर देते थे। और वो ऑथर को बहुत ही अच्छा लगता था उन्हें खाना खिलाना, उसके लिए ये एक फन था। जब तक ऑथर स्कूल अटेंड करता था, साथ ही में उनके स्कूल के एक मंदिर होता था, तो तब तक वहाँ पे ग्रैंड मदर मंदिर में बैठी रहती थी और ऑथर का वेट करती थी और वो लोग साथ ही में घर वापस जाते। ये सब करने के बाद ग्रैंड मदर ऑथर को उसके लेसन्स में भी हेल्प करती थी, उसको पढ़ाती भी होती थी। तो ऐसा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप था ऑथर और उसके ग्रैंड मदर का। दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश थे और ग्रैंड मदर हर काम किया करती थी ऑथर का, उसे हर चीज में हेल्प किया करती थी और दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन इनकी रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इनकी रिलेशनशिप कुछ चेंज हो गई। जब नरेटर के पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुला लिया, तब उनकी लाइफ में चेंज आ गया। अब नरेटर ग्रैंड मदर के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ सिटी चला गया वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ पे नरेटर ने एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करा। अब जो ग्रैंड मदर थी वो नरेटर को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि नरेटर बस से जाता था और ग्रैंड मदर नरेटर की हेल्प भी नहीं कर पाती थी उसकी स्टडीज में, जबकि ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसको पढ़ाने में, उसकी हेल्प करने में। बट क्योंकि ग्रैंड मदर इंग्लिश समझ नहीं पाती थी, लॉज ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये सब साइंस, सोशल, एवरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था इंग्लिश स्कूल में, यहाँ की पढ़ाई डिफरेंट थी, जो कि ग्रैंड मदर को समझ नहीं आती थी और वो उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से ग्रैंड मदर काफी सैड हो जाती थी। अब वो ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी, उनके कॉमन इंटरेस्ट भी नहीं होते थे और नरेटर अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था। एक और चीज थी जिससे कि ग्रैंड मदर अपसेट हो गई थी, वो ये बात थी कि इस न्यू स्कूल में बच्चों को गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था। इंस्टेड उनको म्यूजिक लेसन्स दिए जाते थे, म्यूजिक के बारे में पढ़ाया जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर, जो म्यूजिक है वो जेंटल फोक के लिए नहीं है, वो अच्छे घर के बच्चों के लिए नहीं है, वो सिर्फ बेगर और लो क्लास लोगों के लिए ही है। तो उस टाइम पे पुराने जमाने के लोग ऐसा सोचा करते थे कि जो म्यूजिक है, जो गाना बजाना है, वो अच्छे घर के लोग नहीं करते, वो सिर्फ बेगर्स और लो क्लास लोग ही करते हैं। तो ये बात जब ग्रैंड मदर को पता लगी कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, तो इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी हो गई। तो ये बात उन्हें इतना ज्यादा हर्ट कर गई, उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगा कि वो धीरे धीरे कुछ लेवल तक नरेटर से दूर हो गई। अब क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी, उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, उसकी पढ़ाई में भी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, तो इसलिए धीरे धीरे वो दूर हो गई।